लो जी आए गई बाती। आए ये किसे बाती है, सामान तो ले आए कोनी बात का। हाँ ऐसा उतरी है किसे बाती है, ये तो कति नंगड़ से मारा भी टाइम खराब कर दिया। या के करी समझी जी आपने। हे श्याम बाबा कह तो तेरे भगत की इज्जत राख ले, कह फिर मन भी तेरे दोरो बुला ले। जी गांव की परस में टेंट लगवा दिया है। ठीक करया बेटा, एक काम और करिए, गेरमल भाई बिठा रखे से उनने संभालाइए, जो कि मैं कहवे वो दिए। ठीक है पिताजी, संभाल आऊंगा। ये तो 3 दिन रह गए ब्याह के। बहू ते कर जागी बात नोतन ने अपने पियर। पिताजी काम इतना हो गया, टेम में कोनी लग गया, आज जाऊंगी मैं। ठीक से हम भी जावांगे, मारा गैल चाल पड़िए, समझी कि मैं बात भी करनी है। चाय पी लो पिताजी। आए बहू इंद्राली आ गए। इन न जाए तो कई देर होगी पिताजी, ये बस आते ही होंगे। गया था गे बेटा पटवारी दो रहे हैं। जा तो आया पिताजी, लेकिन कि मैं हाल को निकले। के बोलिया नाटिया के। पिताजी अपन तो बाजरा बोरा क्या था, लेकिन पटवारी के रिकॉर्ड में तो धान बोल रहे हैं। फिर जी अपनी फसल का जो इतना नुकसान होया है उसका मुआवजा मिले ही को नहीं। यो के बोल रहे बेटा, आप ही तो मरे जावांगे। जो फसल बोई थी बापू वह तो खराब होली, ईब साल को कर निकलेगा। एक सरकार तो उम्मीद थी मुआवजे की, सरकार ने तो हाथ उठा दिए भगवान। बेटा जो सरकार इस राज्य का भार संभाल रही है वह तो धोखा देगी, लेकिन इससे बड़ी भी एक सरकार बैठी है जो पूरे संसार का भार संभाल रही है। श्याम सरकार। और सुन बेटा, यह सरकार तो अपने तो वोट भी को नहीं मांगा है, इसकी तो एक क्या मांग रहा है, अच्छे काम करते रहो, किसी के लिए बेईमाना ना करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। और ये कर्म करते करते थोड़ा समय बचे तो बाबा श्याम का ध्यान भी कर लो। एक तो बस बाबा पर भरोसा है। पापा जी। मेघना आजे मेरी लाडो, राम राम सुन दीजिए। बेबे खड़ी क्यों रहेगी, आजो मौसा जी पधारो ने। राम राम जी। के बातें, कई दिन हम दर्शन दिए समझी जी। बस आपने तो बेराए है, पोती का ब्याह टेक दिया उसमें व्यस्त हो रहे हैं। आओ जी बैठो ने। और भाभी ठीक सो? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। समधी जी इब तो ब्याह सिर पा गया। मैं तड़के बहू ने कहूँ था ये ब्याह भी लवा आ गया, कल बाती आऊँगे बात लेके, और तय भी बात नो दिया गैल गल हम समधी तो दो बात भी कर लेंगे। कितने के बजे सीख लियोगी जी बात? नो तो थारा घर से समझी जी, कोडे बाई हो, बाकी बात का विचार तो शाम में का है।
हम टाइम पे पहुंच लेंगे मोसा, चिंता ना करिए। एक के तो ननद है मेरी, पूरे चाव तक भरांगे भात। और थारे जिसे भाई भाभी हो पछे मनने के चिंता से भाई। समधी जी, आपने मेरे स्वभाव का तो बेराय है, मांग करने का पक्ष में बिल्कुल भी कोनी। और ब्याह में तुमने देख भी लिया होगा। हाँ जी मानू हूँ, आपने ब्याह में बहुत थोड़ा सामान लिया था और जो लिया था हम पाछे पड़े जद लिया था। लेकिन समधी जी, ये मेरी मजबूरी है, गांव में किसी ने बोली मार रखी है, ये मेरी मूछ का सवाल है। हमने बस यही कहना आया हूँ, बात ही जोर का भर दियो, सारा गांव खड़ा होगा देखे। हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना मानो, ना मैं थारे पर कोई बोझ गेरूं, बात का जो भी खर्चा होगा वो मन्ना बता दियो। समझी जी, के बात करो आप तो लेके बात भरांगे, भगवान इस जोगे बना रखे हैं कि अपनी छोरी का खुद बात भर दे। ठीक सर जी, इजाजत दो ही। सुना है क्या भगवान पूरा? पापा जी, यह हमारी मूछ की लड़ाई है, हम आप लड़ांगे, आप पे इसका बोझ नहीं आने दें। ये थोड़े से पैसे लाया था, ये आप रख लो। जीजा जी, अब नू क्यों कहो हो कि यह लड़ाई आपकी एकला की लड़ाई है? जिसने आपके यह बोली मारी है वह थार ते गणी मारे लग गए है। और चिंता ना करो, गैल मिलकर लड़ांगे। अरे रपी आप रखो, आपके ब्याह में काम आ जाओगे। वाह बेटा, मान गए, जो आपके माँ बाप ने अपनी संस्कार दे रखे हैं, पूछते हैं आज मेरा हिन्ना गरौ तो चौड़ा हो गया, भगवानी से बेटा बहू सब न देव है। ठीक है पापा जी, चालू हूँ फिर। अरे उधार इतनी हो रही है, वो देने का नाम ही नहीं लंदा, मांगन हो राजा हैं। इस मुंशी ने भी है ना जमा भट्ठा गोल कर रखा है। राम राम सेठ जी। अरे रामदरी बैठे ने, खड़े क्यों रह गए? अपना ही घर तो सही हो, बैठ। अरे भगवान, दो कप चाह लाइए, अपना पुराना नौकर आ रहा है। और सेठ जी, काम धंधा ठीक चल रहा है? काम धंधा का मार गोली। अरे अंदरी तन तो इसी नौकरी छोड़ी, गोदाम आना ही भूल गया तू? बस सेठ जी, काम धंधा चक्कर में उलझे रहा वहाँ, पर आज भी आप तो एक आस लेकर आया था। हाँ बोलो ना रामदारी, की बात से? सेठ जी, आप तो जानो हो, फसल भी खराब होगी, सरकार तो मुआवजा भी कौन मिला, कंगाली में साटा गिला होया, गेल गेल छोरी का बात भी आ गया। अच्छा, ये तो संकट आन पड़ा। जाता आप दोराया हूँ सेठ जी, आपकी मेरे पिया दिल्ली की साथ दो, बड़ी मेहरबानी होगी, धीरे धीरे सारा कर्जा चुका दूंगा मैं आपका। अरे तू तो जाना है हमारा व्यवहार ने, पैसा तो आनी जानी चीज से, कि मैं टोम छल्ली गिर भी धरते तो मेरा भी बैग मिट जाएगा। सेठ जी, जब टूम टाम होंदी तो मैं आप दो रुपये मांगण क्यों आंदा? मैंने सोची 30 साल आप दो नौकरी करी है, इसी तो छुई पावेगी कि मैंने रुपया उधार मिल जाता। भगवान है, एक एक कप चाले ये रामदारी, तेरे ऊपर तो मैंने विश्वास है, हरी बीमारी का किसने बेरा, कल न तरक्की में हो गया मन्ना तो तेरे बाल घर आए कौन बढ़न देंगे। ठीक कहो सेठ जी, आपका डर भी सच्चा है, पर आपने जितना मान सम्मान दिया उसका दिल से शुक्रिया। ठीक है सेठ जी।
अरे पहले ढान तो दिए कोनी, यो और मंगण आ गया। अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म कर ले, अंत में उसने दुखे भोगना पड़ा। भाई मैं तने जानू तो कोनी, फिर एन मौके पर तने मेरी आगे जान बचा ली, तेरा ये एहसान जिंदगी भर रहूगा। कोई किसे पे एहसान को नहीं करे ताऊ जी, आपका नू गिरना होया और मेरा उरा अचानक आना होया, ये आपके सब कर्मा का फल है। अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं ना, तो नीति किसी ने भेज दिया आपकी सहायता करने खातर। भाई मैं तने जानू तो कोनी, लेकिन तेरा अंत मेरा बहुत सा कम हो गया। ठीक तो है ना? हाँ ठीक सु, मेरा क्या होता? और मैं गरा किस स्त्री आया? पिताजी एक आदमी आपने बेहोशी की हालत में छोड़ गया था, अनु बोला इनका ध्यान राखियो। बेटा इब कित से वो? इब तो चला गया होगा, कई देर होगी। पिताजी मैं सारे यारह भरा ने पूछ आया, एक ने भी रुपया की आंखों नहीं भरी। इब तो एक के काम हो सका है, अपनी जमीन बेच के और भात भर दिया। अरे इसका भी काम नहीं बना तो मेरे ब्याह की चूड़ी रखी है वे सुना नहीं दी आवांगे, कम से कम दीदी ने नीचा तो कौन देखना पड़ेगा। बाबा श्याम की कसम तामी दोनों किसी सुतरी सुतरी बात करो ना, मैं मेरे सारे दुख भूल जाऊंगा। आज तामी ने दोनों अन देख कर पूरा यकीन हो गया कि तामी मेरा मरिया पक्ष है, छोरी की बूझ में कोई कमी को रखू। बाकी तामी दोनों चिंता ना करो, किसी ने मेरे तो वादा करया है कि मैं तेरी मदद करूंगा। ईसा कितना अमीर है वो? बेटा अमीर तो वो इतना है जब देर माओ ने तो कुठार भर दे
पिताजी देखियो कदे वो भी और रिश्तेदारा के ढालापा ने धोखा दे दे। बेटी या दुनिया चाहे इधर की उधर हो जा, मेरे मित्र ने जिसकी सहायता करनी उठ ली ना फिर के मजाल पीछे हट जा। आप इतना भरोसा है आपके मित्र के बचना पर? बौड़ा बेटा अपने वचन पूरे करने खातर तो मेरा मित्र अपने शीश का दान भी दे सके। चलो बात बरकावांगे। पिताजी का क्या हो गया? बिना सामान के कुकर भात भरा जाएगा? देख के जाओगी। चला आपू गले चला। बहू बाती आते होंगे, एक काम कर गाड़ में बुलावा दिया। बुलावा दे रखे है पिताजी, लुगाई पताई बस आती है होंगी। पिताजी खाना तैयार करवा दिया है। ठीक से खाना और मेज पर लगवा दिए, एक बार बात वाला काम और कर लिया हाँ फिर सारा हम जिमा देंगे। ए बंदड़ी की माँ कद लोगे बात भूत। आ जाओ ताई जी, बाती भी आते होंगे। कोई बात को नहीं, बाकी तो आए गए सामान भी आ जाएगा। सामान के फिर दे बादशाह होगा। पिताजी कित गया आपका मित्र, मैं तो लागे धोखा दे गया। मैं तो आपने पहले ही कहूँ थी अब दूसरे के भरोसे रवांगे ना तो अपने गैल गैल दीदी और की भी बेइज्जती हो जाएगी। अरवाय बनी इब के कहोगा यो सारा काम? या के करी समझी जी आपने, इसी बात की तुमने पहले ही कह देते। समझी जी मन मेरे बाबा श्याम पर पूरा भरोसा है, वो मेरी इज्जत रखण खातर जरूर आऊगा। किसी बात करो पापा जी, भगवान भी कदे बात भरण आया से। आए बेटी तेरे पिए ने तो कती लिचड़ से, कम से कम रुपया लिया ते सोन का, मारा भी टाइम खराब कर दिया। ए श्याम बाबा आज तेरा भक्त मुसीबत में है, तेरे विश्वास के सिवा मेरे पर कुछ को नहीं। कह तो तेरे भक्त की इज्जत राख ले, कह फिर मन भी तेरे दोरो बुला ले। स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ओ सांवरे सावरे
का नजारा है, वैकुंठ का द्वारा है, हारे का सहारा है, वो शाम हमारा है। मिले वो मुझको कैसे कर्मों से, ये तो भाग्य है मेरे। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। हे श्याम धनी, अमनोर शर्मिंदा ना करो, आपके दर्शन हो गए, अमनोर किम्मे को नहीं चाहिए। पापा जी, आपकी भक्ति का आगे आज यू गांव भी हार मान गया। आप ठीक कहो थे पिताजी, आपका मित्र तो इतना दे दे है कि बड़े बड़े कोठियार में भी जगह कम पड़ जा। बेटी, तेरा ससुर सदा ईमानदारी का रास्ता बताला, कदे किसी कोई कष्ट को नहीं पहुंचाया और साथ साथ मेरी भक्ति में भी लागे रहा। इसका इतना सब कुछ करने के बाद मन ने तो इसका अंश मात्र भी कौन दिया। जब जब मेरे भक्त मुसीबत में पड़ेंगे, मैं उनकी रक्षा खातर दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। बोलो शाम प्यारे की जय, बोलो आरे के सहारे की जय।